मेरे नज़दीक जो है ना इस वक्त तीन बहुत क्रिटिकल रीजंस हैं क्यों जामिया जो है ना, जब भी देखते हैं ना, जब भी कोई अपनी रिसोर्सेज किसी इदारे को देता है तो बुनियादी तौर पे उसको तीन चीज़ें देखनी चाहिए. और तीन चीज़ों में से पहली चीज़ जो है वो ये कि यार ये इनकी दावत है क्या, इनका मिशन विजन पर्पस रिजॉन डेट्रा किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये किस चीज़ पे लोगों को इकट्ठा कर. तो उस अतबार से हम देखें तो जो हर कोई, मतलब आप तबलीग में चले जाएं, एक आदमी आम आदमी से आप मिलेंगे वो वही बात करता है कि हमें वो दीनी उलूम, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वही बात कर रहे हैं और एक आम आदमी भी वही बात कर रहा है. वो समझता है कि हम बहसीत मुसलमान यकीन रखते हैं कि जो कुरान की सीरत की सुन्ना की जो तालीमात हैं उसके अनवारात, उसके फ्यूज़, उसकी बरकत, उसका नूर, उसकी नुसरत, उसकी फतुहात, अगर हम उसको समझ लें आजकल के दौर में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से कर लें, उसको सही तरीके से रोल आउट कर लें, तो वो तमाम बरकत समरात हम आज भी देख सकते हैं. ये बात एक तरह से कॉमन अंडरस्टैंडिंग में कम अज़ कम दीनदार तबके के आ गई. अब इस एहसास के साथ कौन सा दूसरा इदारा है जिसका न सिर्फ इस बात पर इस कदर ज़ोर है, इसरार है, और फिर उसके बाद एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि इतने सालों में ग्रेजुएट्स की फॉर्म में, निज़ाम की फॉर्म में, करिकुलम की फॉर्म में, टीचर्स के अप्रोच की फॉर्म में जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकता है. नंबर वन. नंबर टू, गवर्नेंस. यूनुस भाई बात कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या स्ट्रक्चर था, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती फैसले लेते, आप पे तो वही आती थी, लेकिन जो उनको भी कहा गया कि मुशावरत करो, मशवरे लो और सब कुछ करो. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर क्या कहा, सारी उम्मत ने माना कि आपसे बेहतर कोई शख्स उम्मत में नहीं है, लेकिन आपने खिलाफत संभालती क्या कहा, देखो मैं इधर से किताब सुनना के मुताबिक चलूँ, ठीक है, वरना मुझे पकड़ लो, ठीक है, मुझे तंबीह करो. किताब है जेम्स हरविकी की विजडम ऑफ क्राउड्स, बड़ी तहकीक की है उसने. उसने कहा है कि डिसीजंस जो लिए जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों का इनपुट होता है जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, वो इनपुट, वो जो डिसीजंस होते हैं बड़े रोबस्ट होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे होते हैं, बिल्कुल, मतलब वो आगे की भी बहुत सारे अहतमालात को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है. अब अमूमी तौर पर दीनी दारों में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें शाज़ो नादर ही कहीं ऐसा होगा कि यहाँ एक जय्यद उलमा मौजूद है, उनसे मुशावरत हो रही है. मेरे ख्याल में कोई बड़ा मसला, कोई बड़ा कदम जामिया ने नहीं उठाया होगा जहाँ पे शेख तकी को ना किया गया हो और बड़े अकाबरीन को मदऊ ना किया गया हो, उनसे मशवरे ना मांगे गए, और बाज़ों का सालों इंतज़ार करना पड़ा है जब तक उनके जवाब नहीं आए. और इसी तरह से ताजर शूरा की फॉर्म में बड़ी प्रैक्टिकल, बड़े ये लोग जो है ना, इनको, इनके पास अलग किस्म का विजडम है, वेरी ट्रू, ठीक है, उनके पास वो कुरान हदीस की नॉलेज वो आपसे हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीका विजडम है कि इदारे कैसे चलाए जाते हैं, बिल्कुल, तो वो भी वहाँ से शामिल हो रहा है. तो ये जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, फिर इसमें अल्लाह सुब्हान तआला उस्ताद साहब की ज़िंदगी बरकत दे, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी में, और आगे गवर्नेंस मॉडल भी ये होना चाहिए कि जो भी अमीर हो वो ओपन हो, आइडियाज़ को इन्वाइट करे और फिर डिसीजन ले. सो ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर की ख़ास बात है कि कोई डिसीजन जो होता है वो फ्लिमजी नहीं होता या वो कोई कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सारे इनपुट्स में आते हैं और हर पहलू उसमें सामने आ जाता है. तो नंबर टू, पहली बात थी विजन क्या है, क्या किस बात की तरफ दावत क्या है, और दूसरी बात जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और तीसरी चीज़ जो है वो है इम्पैक्ट एंड ट्रैक रिकॉर्ड, जो पहली बात में किसी हद तक आ गई, लेकिन अब जो है ना वो दिल खोल के जो जिनके दिल में ज़रा सी शकूक शुभात भी हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ग्राउंड पे उन्होंने क्या किया, तो ग्राउंड पे हमारे पास दिखाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत कुछ है. यानी पेनिट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, कोरिया की हम बात कर रहे हैं, मलेशिया की हम बात कर रहे हैं, टर्की की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से इन टर्म्स ऑफ शोबा, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हम फौज की, आर्मी नेवी की, ब्यूरोक्रेसी की, बिजनेसेस की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, प्राइवेट बिजनेसेस की, सब की बात कर रहे हैं. हर जगह जो है वो जो हमारा एक था ना असल कि वो नबूवत का जो नूर है, वही के तालीम के जो अनवारात हैं वो महदूद ना हो, वो पेनिट्रेट हों, उसका फैज़ हर जगह फैले, तो उसी वक्त हो सकता है जब ग्रेजुएट्स उस बैकग्राउंड को लेके उन तमाम डायमेंशंस में पेनिट्रेट करके उस दावत को वहाँ पे ज़िंदा करें. और फिर ये उस वक्त नहीं हो सकता, मैं बल्कि जब शुरू में ओरिएंटेशन सेशन होता था, केएसबीएल का पहला होता था, तो मैं उनको एक बुगाटी वेरॉन दिखाता था, बताता था कि इसमें ऐसे फीचर्स हैं, इसका इंजन, इसका एरोडायनामिक डिज़ाइन, इसके व्हील्स, कि वो 6 सेकंड में 90 mph टच कर लेती है. लेकिन ये सारे फीचर्स के साथ अगर इसके अंदर फ्यूल ना हो तो ये कदम नहीं उठा सकते, एक मील भी नहीं जा सकते. तो ये सिर्फ इल्म की बात नहीं है, बल्कि उनको एक आप रात एक स्पार्क भी लगाते हैं, एक फ्यूल भी डालते हैं, जिसकी वजह से वो, और फिर वो
परपेचुएट करता है, उसको जारी करने का एक सिस्टम होता है कि वो हर साल फजला का जो इज्तिमा होता है, अलमनाए का जो एक रीयूनियन होता है, उनसे कारगुजारी पूछी जाती है। इसका अहतमाम अब लोग आहिस्ता आहिस्ता आएंगे इस पर, लेकिन अभी तो कोई नहीं कर रहा, शायद कोई एक आध इदारा हो लेकिन मेरे इल्म में नहीं है उस दर्जे का अहतमाम। तो अब वो चीज़, वो मिशन जो है ना, वो ख़त्म नहीं हो गया यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद, बल्कि वो परपेचुएट कर रहा है और ट्रैक रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। ये वो वजूहत हैं कि एक बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन है। इसमें मैंने उस्ताद साहब के साथ माशाल्लाह, मेरा जो वास्ता पहली दफ़ा पढ़ा तो 2005 में राजा साहब IBA तशरीफ लाए थे, उसमें IBA पढ़ाता था, तो उसके बाद नामुस रिसालत कॉन्फ्रेंस में शिरकत हुई, उस्ताद साहब ने किम्स का आइडिया दिया और मुझसे कहा इस्टेब्लिश करूँ। तो मैं तो देख रहा हूँ कि मैंने जो थोड़े बहुत मेरी साइड से बीज डाले और उस्ताद साहब ने जो बीज डाले, आप रात ने और जो आवश्यक की, अब वो तनावर दरख्त की शक्ल अख्तियार कर रही है। और अब वो हम डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट की और बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो उस सारी उसके पीछे जो मेहनत हुई है, और इसमें ज़रा सी तवज्जो मेहनत और लोगों की शामिल हो जाए तो इंशाल्लाह ये एक बिल्कुल ही नेशन बिल्डिंग और गेम चेंजिंग में बहुत नुमाया रोल प्ले कर सकता है।